समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश डॉक्टर अध्यक्ष मनोज यादव का नेतृत्व में गया गांव चित्री करेरा जिला शिवपुरी। खाद के लिए जेल गई महिला, गोरा कुशवाहा जी से मिला और महिला को खाद डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराया। कहा कि खाद की और भी जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी आपको उपलब्ध कराएगी। साथ में भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार में किसानों को हफ्तों लाइन में लगकर खाद लेनी पड़ रही है, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक किसान विधवा महिला को खाद के लिए जेल जाना पड़े और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ही आते हैं, अपने को किसान का बेटा कहते हैं और बहनों का भाई कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जिस अधिकारी ने विधवा महिला को जेल भेजा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री और शिवपुरी कलेक्टर से समाजवादी पार्टी मांग करती है, जिस अधिकारी ने महिला को जेल भेजा है उसके जेल भेजने चाहिए और महिला को न्याय मिलना चाहिए। मौके पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नीरज यादव जी, प्रदेश महासचिव श्री पीआर गोयल जी, जिला अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी, प्रदेश सचिव श्री यशवंत जी, प्रदेश सचिव परमवीर जी, सपा नेता राहुल जी, जगमोहन जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, श्री अंगद यादव जी, नैतिक जी, अमोल रावत जी और अन्य पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब करेरा विधानसभा के छतरी में पहुंचे, क्या कुछ घटनाओं को लेकर यहां पर पहुंचे? यहां पे छतरी गांव है, ये हमारी बहन है कुशवा जी, गोरा कुशवा जी बहन है हमारी, जो खाद के लिए लाइन में लगी थी और लगभग 8-10 घंटे लाइन में लगी रही। उसके बाद में आपके पैरों में जो चप्पल पहने थी वो उनके दर्द रोने उन्होंने हाथ में पकड़ ली, चप्पल को हाथ में पकड़ ली, धक्का मुक्की भी हो रही थी। तो वहां पुलिस प्रशासन आता है, इनको बंद करता है और कहता है कि आप उधम कर रही हो, जबरदस्ती उन पर धारा लगा के बंद कर देता है। इनके ससुर साहब हैं, क्या नाम है तो आपका? राम सिंह कुशवा जी, आप दिखाइए इनका चेहरा, आप भी गए वहां पे, उन्हें पता चला कुछ विवाद हो गया है। आपने उस अधिकारी के टीआई के हाथ पैर जोड़े, कहा कि मेरी बहू है आप छोड़ दीजिए, कोई गलती हुई है तो बताइए, लेकिन एक नहीं सुनी, आपको जेल भेजा, थाने में रखा, उसके बाद 2 दिन जेल में रखा आपको। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान गरीब है उस पर अत्याचार कर रही है, केवल अडानी अंबानी के पीछे घूम रही है क्या ये सरकार है? किसकी सरकार है जो हमारी बहनों के साथ अन्याय कर रही है, वो भी विधवा है ये। आप सोचिए, इनके पति नहीं है, एक बेटा है चौदह 15 साल का, वो बेचारा रोता रहा, ये 2 दिन जेल काट के आई है। वहां पे एसडीएम ये लोग जमानत भी नहीं दे रहे थे, बाद में जब लोगों ने किसानों ने सहयोग किया इनका तब इनको जमानत मिली है। तो इससे ज्यादा अत्याचारी सरकार क्या हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है हर परिस्थिति में। इनको उसके बाद भी इनको खाद नहीं दिया गया, तो पार्टी की तरफ से इनको खाद भी दिया गया है। आगे जो भी इनकी समस्याएं होंगी उसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। अभी जब आपने इनसे बातचीत की है तो क्या कुछ मांगे रखी इन्होंने?